लाइट गई। यहाँ पे स्टक हो चुके हैं, अब बिल्कुल फट गए हैं। बस एक सीन दिखाते हैं आपको। तला क्या हुआ है, कोई चांस नहीं हमारे बचने का यहाँ से। और हमें ये भी नहीं पता कि हम घर कब पहुँचेंगे, कब नहीं पहुँचेंगे। सुबह भी हो सकती है और भूखे पेट हैं सुबह से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है जल्दी से जाओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल के आइकन को जरूर प्रेस करना। वैसे ब्लॉग ब्लॉग में आता तो कोई नहीं, लेकिन फिर भी ना बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर देना। बाहर मौसम क्या करो, इतना हसीन मौसम हुआ हुआ है, लेकिन हम सिंगल है, हम सिंगल के लिए कोई हसीन मौसम नहीं होता। ये भगवान क्या जुल्म है। मैंने अपना वादा पूरा किया कि मैं पेपर के बाद ब्लॉग बनाऊंगा, तो पेपर ख़त्म हुआ है तो मैंने ब्लॉग बना दिया आप लोगों के लिए। क्यों नहीं बना रहा था, क्योंकि मेरी स्किन ख़राब थी, काफ़ी हद तक ख़राब थी, अब काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है, लेकिन मैंने कहा कि मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ तो आप लोगों के लिए ब्लॉग ज़रूर बनाऊँ। भाई बसेस तो हमारी आ गई हैं, लेकिन लोग नहीं आए अभी तक। मौसम तो चेक कर सकते हो, हैवी किस्म का मौसम है। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये भाई हमें लेके जा रहे हैं ट्रिप पे। सामान की हिफाजत खुद करें भाई, कैसे हैं? मैं ठीक हूं, उसको बिल्कुल जानते ही नहीं। ये तो ये कौन है, वो जाने कौन सी बस तरीके का ट्रिप जा रहा है, जहाँ आप लोग बैठोगे शोर मिला होगा, शोर मिला सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, वो होगा जो हम चाहते हैं। यहाँ पे डांस कर करके हमारा गला, मेरा गला तो ज़्यादा ही बिल्कुल बंद हो गया था। और मैंने भी डांस किया, लेकिन इसने नहीं, इसने डांस नहीं किया, मैंने डांस किया नहीं किया, थोड़ा बहुत किया मैंने, मैंने किया नहीं किया। इसने सजा दी सारे बस वालों को, नचवाया इसने। शाबाश बेटा, भज गया वाशरूम, ओपन वाशरूम है यहाँ पे, तो इसको मैं तंग करता हूँ, देखता हूँ भजी। जल्दी आओ भाई, इसको बोलो मुझे भी अंदर आने दे, मुझे या मुझे अंदर बुलाओ या खुद बाहर आओ। ऊपर ऊपर से आ जाओ, लेकिन मैं गंदा नहीं हूँ, ये बहुत गंदा इंसान है, अस्तग़फ़िरुल्लाह माफ करे। भाजी कैसा लगा, खुले में कर देगा, कैसा लगा वाशरूम? थोड़ी गंदा वाशरूम, आजा ज़ेन के लिए ब्रांड छोड़ गया। फाइनली हम पहले नहीं, फाइनली बाद में बोलूंगा, पहले बच्चों देख लो बर्फ, जिन्होंने बर्फ नहीं देखी थी ना वो बर्फ देख लो, ठीक है। ये भी देख लो बर्फ, इधर भी बर्फ है, बर्फ आप लोग देख लो, ठीक है। अभी आपको बाकी सीन्स बाद में दिखाते हैं, हमने ग्लव्स ग्लव्स पहन ली हैं और गाड़ी में तकरीबन आधी आवाम सोती आई है। चलो आपको बाकी सीन्स दिखाते हैं। ये बहुत गंदी लैंग्वेज यूज़ करता है, चेक करो आप लोग, आप लोग सीन चेक करो यहाँ पे, ठीक है जी। प्यारे प्यारे लग रहे, वैसे इतना प्यारा हो नहीं, मैं जितना कैमरे में आ रहा हूँ वैसे इतना प्यारा नहीं हूँ। अब हम सारे बनाएंगे वीडियोस। बाकी सीन आपको बाद में दिखाते हैं, हम पहले वीडियोस बनाएंगे यार, बैक कैमरे से नहीं। अच्छा सो गाइस, हम यहाँ पे इस टाइम मौजूद है मालम जब्बा में, और मेरे साथ है फेमस टिकटॉकर ज़ेन, जिसके मेरे से ज्यादा फॉलोअर्स हैं आजकल। और पता है आजकल से बात की है, मतलब यार इस बंदे का लेवल है यार, मतलब इसने जो जितना ग्रूम किया है ना, तो बेस्ट ऑफ लक। प्रमोशन के मैंने पैसे नहीं दिए, प्रमोशन होती है ये सी है। हम यहाँ पे वीडियोस बना रहे थे, हम पीछे रह गए, अब हम जीप पे जाने लगे हैं, ऊपर बहुत ऊपर जा रहे हैं। बाकी सीन आपको दिखाते हैं, बेस्ती हुई है वैसे हमारी, अभी कहते हैं कि आप इतने लेट क्यों हैं। बाकी सीन आप चेक करो, चारों तरफ बर्फ है। हम नीचे रह गए थे, इससे जाना था वाशरूम, इसकी वजह से दोनों ने वाशरूम जाना था, जिसकी वजह से हम नीचे रह गए। अब हम जीप पे ऊपर जाएंगे, बाकी बहुत ऊपर पहुंच गए, बाकी बर्फ चेक कर सकते हो। इतनी सर्दी है, लेकिन नहीं है सर्दी, इतनी सर्दी नहीं है, बस ये है कि हमारे हाथ पांव गीले हो गए हैं, बाकी कोई नहीं। भाई मज़ा आ रहा, नहीं आ रहा, बहुत मज़ा आ रहा है, गार्डन गार्डन हो रहा है। और इसकी वीडियो बड़े मजे की बनी है, मेरी वीडियो भी मजे की नहीं बनी, बस ये चाहता ही है कि दूसरे की ना बने, ये देखो मेरी मुखलिसी में शक करता है। बर्फ चेक करो आप लोग, जो लोग
मेरी जो लोग बर्फ नहीं देख सकते वो या मेरा व्लॉग देखो या फिर फ्रिज खोलो और उसके अंदर मुंह करके देख लो। बर्फ देखने के दो ही सूरतें हैं फिर आपके। अंदर जा चुका हूँ। ये ओए 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 ना मार ना मार ना ना मारना क्या सीन देखो हर चारों तरफ बर्फ है। टक्कर हो गई लड़की के साथ। टक्कर हो गई थी लड़की अभी अभी लड़की का सामने टक्कर हो गई है। नहीं 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 अच्छा अच्छा भाई 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 ओ अच्छा अच्छा। हर तरफ बर्फ देख सकते हो यार। ये चेक करो और ये सारा अपनी वीडियो बना रहा है। रश चेक करो यहाँ पे फुल फ्रीज हो चुके हैं। शूज उतार दिए हैं। बहुत बैड सीन है। मुझे लगता है कि मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू करूं क्योंकि बैटरी भी बहुत कम है और हमने वीडियोस ऑलमोस्ट बना ली है लेकिन बनी अच्छी नहीं बनी जो भी है। लेकिन चारों तरफ यहाँ पे बर्फ है और बहुत बैड सीन है। जब भी यहाँ पे आओ लॉन्ग शूज़ पहन के आओ लेकिन वो वाला लॉन्ग शूज़ पहन के आओ जिनके अंदर बर्फ ना जाए और सही मोटे छोटे कपड़े पहन के आओ वरना यहाँ पे गुजारा कोई नहीं। बिल्कुल आग नहीं है। और ग्लव्स की तो आप हालत देख सकते हो ये क्या हो गया ग्लव्स की हालत। शूज हमने चेंज कर लिए वो हो गए हमारे सारे गीले। मैर किधर गया यार पता ही नहीं था। शूज चेंज करने गया था। ये देते हैं पैसों के अपने शूज दे के हमने ये पहने हैं ये वाले शूज। पता नहीं कितने बड़े अंकल के ये शूज होंगे। किस अंकल किस गोरे के ये शूज होंगे। बाकी बर्फ आप लोग चेक करो। अब हम अंदर रिसोर्ट जो भी है उसके अंदर जा रहे हैं। ये हमने लिया पता होगा टिकट हमारे साथ ये मतलब गलत बात हो गई है तो इन अंदर जाके दिखाते हैं। अब हम जा रहे हैं हमने बैठना चेयर लिफ्ट पे। इसके अंदर हमारा खाना भी फ्री है और पता नहीं क्या 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 फ्री है। चेक करो ब्यूटी। बर्फ चेक करो। इतनी बर्फ कभी आपने कभी नहीं देखी होगी। फ्रिज के अंदर मुंह भी करोगे ना तब भी आपको इतनी बर्फ नजर नहीं आएगी जितनी बर्फ यहाँ पे है। सीन बहुत हैवी है यहाँ पे। हमने ना शूज चेंज किए हैं वजी को छोड़ के मैंने और मैंने चेंज किए क्योंकि मेरे ऊपर से सारी बर्फ उसके अंदर चली गई थी। यहाँ पे आओ तो ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहन के आओ। बर्फ चेक करो ऐसा लग रहा है और जैसे टीवी में नहीं दिखाया जाता वैसे सीन है यहाँ पे। ये वजी बाहर की ला इला यार पैसे हमने यहाँ पे पूरे कर दिए हैं। जिंदगी में हमने इतनी बर्फ नहीं देखी जितनी बर्फ हमने यहाँ पे देख ली है। सीन चेक कर सकते हो टोटली फ्रीज हो चुके हैं यहाँ पे। टेम्परेचर मेरे हाल में माइनस में है। बस दुआ करो कि हम सही सलामत घर पहुँच जाएं क्योंकि सीन मुझे बहुत ख़राब नज़र आ रहे हैं। मैंने ना ओरिजिनल कैमरा बंद कर दिया क्योंकि इसमें मैं बहुत प्यारा आ रहा हूँ। अब हम पता नहीं क्या करके आए थे अब चेयर लिफ्ट पे जाने लगे। हाथ मतलब पूरा जिस्म सुन्न हो गया वह फील ही नहीं हो रहा कि भाई आप यहाँ पे कैसे सरवाइव करते हो। हम तो यहाँ के बस यार ठीक गुजरते हैं ना। ठीक गुजरती है लेकिन हम तो यहाँ पे फ्रीज हो चुके हैं फुल। मतलब जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है कि जहाँ पे हम फ्रीज ना हो चुके हों। बस चक्कर खा के हमने गिर जाना है। वो ये जा रहे हैं बाकी हमारे पीछे वो चेयर लिफ्ट है क्योंकि आप लोग मुझे ये ना कहना कि एक जगह तुम बहुत प्यारे आ रहे थे क्योंकि वो ओरिजिनल कैमरा था और यहाँ पे मैंने स्नैप का फिल्टर लगाया था तो यहीं से साबित हो जाता कि
सोशल मीडिया की दुनिया बहुत बड़ी झूठ है। हम चेयर लिफ्ट पे बैठ गए, भाजी कैसा लग रहा है आज? फट पैसे पूरे हो या डबल हो गया, ज्यादा हो गया, क्या सीन हुआ है? छलांग ना मारना, ये नहीं आएगा। चेक करते हैं अभी। उमेर पीछे केला बेचारा, उमेर बेचारा केला, उमेर केला। इतनी सर्दी है, हमारे ग्लव्स बिल्कुल कराना। फाइनली हम टॉप पे पहुंच आए हैं, देख सकने हो। मुझे पंजाबी शुरू हो गया, स्नोफॉल शुरू हो गया, और पीछे का मौसम चेक करो। जो नहीं आए हुए वो मेरे ब्लॉग को देखो, एंजॉय करो, और पीछे का व्यू चेक करो। ये वो है जो लेट पहुंचे ब्रो, हमारी हट गई है, मजा आ गया फ्री में प्रमोशन। भाई ये ट्रिप ऑर्गेनाइजर, ठीक है, ये हर वीक में एक दफा ट्रिप लेके जाते हैं, यही बात है। तो इनके साथ इनकी आईडीज में नीचे मेंशन कर दूंगा, हफ्ते में दो दफा भी हो जाता है, दो दफा भी इनकी आईडीज में नीचे मेंशन करूंगा। तो बाकी इंक्वायरी के लिए इनके साथ सुबह निकल पड़े, हाँ, तो इनके साथ रात करना। आपने ट्रिप कैसा गुजारा ये बताओ? मजा आ रहा है? फट रही सर्दी तो बहुत है, बहुत सर्दी है, इसलिए आपको बार बार बता रहा हूँ कि जब भी आप आओ तो ना सही पैक शैक होके आओ। ये हालत होती है यहाँ पे स्नो इतनी तेज हो गई है, तेज नहीं हुई मतलब पड़ने वाली है, और हालात इतने नासाज हैं कि क्या बताऊं। आप वजी को भी बहुत मजा नहीं हुई, वजी की फट रही है वैसे, ठीक है। भाई आपका क्या ख्याल है वैसे? ओ जी, फट के हाथ में आई हुई है, यकीन मानो सबकी फट रही है, इसका मतलब वाकई सर्दी है। और ये व्यू चेक करो, अब हम वापस जाने लगे हैं नीचे। अच्छा, चेयर लिफ्ट आ गई है जी, सीन बहुत हैवी है। कुछ नहीं बोल रहा, चेक कर सकते हो, माइनस में यहाँ पे टेम्परेचर जा रहा है, यकीन करो। सर्दी लग रही है आपको? जी इनको भी सर्दी लग रही है, लेकिन जो कपल्स में इनको सर्दी नहीं लग रही है, ऐसे दिल गार्डन है सबका। आपको सर्दी लग रही है? चलो इनसे पूछते हैं, आपको सर्दी लग रही है? बिल्कुल नहीं लग रही, आवाम जानती है रे, चढ़ू को नहीं। हम लाइट गई, लिफ्ट बंद हो गई है जी, अपडेट ये है कि लिफ्ट हो गई है बंद, और हम किधर फंसे हैं जरा बैक कैमरे से वहां को दिखा, बैक कैमरे से आपको मैं दिखाता हूं कि हम पता नहीं कितने फुट की ऊंचाई पे हैं, किधर फंस गए फुट ये यहां से। ओए ओए ना करना, यकीन करो बस गए हम, अल्लाह ना करे गए, हमारी माओ ने हमें बड़े मुश्किल से बाहर बोस के बड़ा किया है। ये रात का व्यू चेक करो, इतना सेक्सी व्यू आ रहा है, यकीन करो। अब हम 200 की चाय, सिर्फ 200 की एक चाय, मतलब मैं चाय पीता नहीं हूँ, फिर भी 200 की एक चाय पी रहा हूँ। बहुत सर्दी सर, देखो सीन, सर्दी की वजह से मेरे हाथ बिल्कुल फट गए हैं। बस सीन दिखाते हैं आपको, तला क्या हुआ है यार, बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड है। हम किस चीज का वेट कर रहे हैं अभी यार? हम वेट कर रहे हैं, गाड़ी स्लिप हो रही थी, और यार सीन बहुत ऑफ है यहाँ पे, स्लिप देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे इतनी स्लिप है कि गाड़ियाँ यहाँ पे चलने के काबिल बिल्कुल भी नहीं है, और सर्दी इतनी है, पाँव हमारे फ्रीज हो चुके हैं, और हम यहाँ पे स्टक हो चुके हुए हैं, लड़कियाँ भी साथ हैं, बहुत बैड सीन है। ये देख सकते हो आप किस तरह गाड़ियाँ यहाँ पे स्लिप हो रही हैं। गाइस सीन कुछ ऐसे हैं, हम पता नहीं इस टाइम कहाँ पे हैं, ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन हम पैदल चल रहे हैं, बसेस हमारी ऊपर हैं, और हम यहाँ से पैदल जा रहे हैं, और यहाँ पे स्लिप इतनी है, कोई चांस नहीं हमारे बचने का यहाँ से। और हमें ये भी नहीं पता कि हम घर कब पहुँचेंगे, कब नहीं पहुँचेंगे, सुबह भी हो सकती है, और भूखे पेट हैं सुबह से। फाइनली खाना खा के हम बसेस में बैठ के, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सही सलामत बैठ गए थे, और बाकी शॉट इस वजह से नहीं ले सका क्योंकि फ़ोन की बैटरी नहीं थी। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। खुदा हाफिज।